हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन का क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन है 1p1 प्लस 2 इंटू 2p2 3 इंटू 3p3 अप टू सो ऑन 15 इंटू 15p15 इक्वल टू क्यू पी आर माइनस एस। बेटा गिवन है, देन आपको टर्म फाइंड आउट करनी है क्यू प्लस एस सी कॉम्बिनेशन आर माइनस एस। बेटा देखो बेटा फर्स्ट टर्म बेटा आपके पास है, अगर बेटा आपके पास टर्म है कोई भी नंबर में NPN है बेटा, ये टर्म आपको पता होनी चाहिए। अगर बेटा NPN है इट मींस बेटा दिस इज n फैक्टोरियल। NPN का मतलब बेटा आपको n फैक्टोरियल होता है, NPN मींस n फैक्टोरियल। देखो बेटा जो क्वेश्चन है इस टर्म में अगर आप क्वेश्चन चेक करो बेटा फर्स्ट टर्म आप लिख पाओगे 1p1 1p1 मींस बेटा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 into 2p2 बेटा 2p2 मींस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 into 3p3 means beta 3 factorial up to so on beta 15 into 15 factorial beta ye aapke paas term hai 15 into 15 factorial is equal to beta term pata hai qpr minus s beta jo s hai wo 0 se 1 ke andar koi bhi number hai। dekho beta jo first aapke paas term hai beta jo left hand side hai ise aap likh paoge summation R is equal to 1, बेटा 1 से स्टार्ट होगा अप टू 15, बेटा 1 टू 15 तक टर्म्स जा रही है आपके पास, बेटा R into R factorial, बेटा आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट टर्म 1 into 1 factorial, then 2 into 2 पुट करोगे, बेटा 2 into 2 factorial, 3 पुट करोगे, 3 into 3 factorial, up to so on, 15 into 15 factorial, देखो बेटा जो टर्म है, इस टर्म में चेक करो बेटा आप जो फर्स्ट नंबर है R, बेटा आप R की वैल्यू वैल्यू ऑफ आर आप इसे रिप्लेस कर सकते हो बेटा आर अपनी तरफ से प्लस 1 बेटा प्लस 1 एंड माइनस 1 बेटा इस टर्म में अपनी तरफ से प्लस 1 एंड माइनस 1 लिखोगे प्लस 1 एंड माइनस 1 बेटा इसे आप मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म को बेटा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दिस नंबर इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू 5 बेटा आर प्लस 1 मल्टीप्लाई करो विद आर फैक्टोरियल आर प्लस 1 into r factorial minus r factorial. r plus 1 into r factorial minus r factorial beta r plus 1 into r factorial r plus 1 into r factorial beta aapke paas aa jayega r plus 1 factorial beta ye term aapke paas aa jayegi r plus 1 factorial means beta ye main sirf left hand side solve kar raha hu left hand side hai this number is equal to summation r is equal to 1 to 5 R plus factorial minus R factorial. R plus 1 factorial into R factorial. देखो बेटा value of n, value of R बेटा 1 to 15 आप सारी substitute करो. Value of R 1 to 15 substitute करो. बेटा अगर आप 1 put करोगे this term is 2 factorial minus 1 factorial. बेटा 2 put करोगे 3 factorial minus 2 factorial. बेटा 4 put 3 पुट करोगे 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बेटा अप टू सो ऑन लास्ट बेटा 15 पुट करोगे 16 फैक्टोरियल माइनस 15 फैक्टोरियल बेटा समेशन समेशन मींस बेटा सब टर्म्स के अंदर आप प्लस चूज करोगे बेटा अगर आप प्लस करोगे सारी ही टर्म्स बेटा कैंसिल हो जाएंगे प्लस करोगे बेटा इस तरह सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे आपके पास दो टर्म्स रिमेनिंग बचेंगे बेटा वन टर्म 16 फैक्टोरियल एंड अदर टर्म इज 1 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल बेटा आफ्टर सम करने के बाद आपके पास जो दो टर्म्स रिमेनिंग बचेंगी बेटा 16 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल बेटा टर्म्स बचेंगी आपके पास 16 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गया 16 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल मींस बेटा 1 इज इक्वल टू बेटा गिवन है क्यू पी आर माइनस एस क्यू पी आर माइनस एस बेटा जो एस है देखो बेटा फर्स्ट टर्म बेटा जो क्यू पी आर है बेटा जो नंबर क्यू पी आर है इस टर्म का बेटा आंसर हमेशा फैक्टोरियल टर्म में आएगा बेटा क्यू पी आर का आंसर हर बार फैक्टोरियल टर्म में आएगा मींस बेटा जो एस है वो 0 टू 1 के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है बेटा एस हमेशा जो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ भी रहे हो आपको पता ही है हमेशा फैक्टोरियल हर बार आपके पास इंटीजर आंसर होंगे बेटा एस इंटीजर में 0 आएगा या 1 आएगा बेटा अगर इस टर्म का प्रॉपर आंसर आएगा फैक्टोरियल टर्म में जो s की वैल्यू है बेटा अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे देन ये 1 बेटा एक्स्ट्रा बच जाएगा बेटा अगर आप s वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा
क्योंकि ये तो बेटा पूरा फैक्टोरियल में आंसर आ जाएगा बेटा। बेटा एफ आपके पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब देन बेटा जो वैल्यू ऑफ एफ है इंटीजर में बेटा आपके पास ओनली आप वन यूज करोगे। बेटा अगर वैल्यू ऑफ एस आप वन पुट करोगे, जीरो नहीं पुट करोगे, अदरवाइज वो फैक्टोरियल आंसर नहीं आएगा बेटा। बेटा ये वन पुट करोगे इट मींस बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, बेटा जीरो पुट करोगे देन ये बेटा वन रिमेनिंग बचेगा, इसलिए आप जीरो नहीं पुट कर पाओगे। बेटा जो क्यू पी आर वैल्यू है बेटा आपके पास, क्यू पी आर इक्वल टू 16 फैक्टोरियल आ गया बेटा। देखो बेटा क्यू पी आर हर बार बेटा फैक्टोरियल में आंसर आएगा, एंड बेटा उस टर्म का आंसर 16 फैक्टोरियल पॉसिबल किस केस में है। देखो बेटा मैंने ऊपर डिस्कस किया था बेटा कि अगर दोनों सेम नंबर आ जाए बेटा, npn is equal to n factorial, बेटा अगर ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर हैं then 16 फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। इट मींस बेटा वन पॉसिबिलिटी है कि 16 फैक्टोरियल आंसर आएगा बेटा, वन पॉसिबिलिटी अगर बेटा दोनों टर्म्स क्यू एंड आर दोनों टर्म्स की वैल्यू बेटा 16 आ जाए, क्यू भी 16 आ जाए एंड बेटा आर भी 16 आ जाए, बेटा फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। एंड बेटा सेकंड पॉसिबिलिटी है अगर क्यू 16 आ जाए एंड आर 15 हो जाए। बेटा क्यू 16 सेकंड पॉसिबिलिटी बेटा अगर क्यू 16 एंड आर 15 हो जाए। बेटा आप चेक करो आपके पास इस टर्म का आंसर भी 16 फैक्टोरियल ही आएगा बेटा, क्योंकि अगर आप इसका रिजल्ट पुट करोगे डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड 1 फैक्टोरियल इज 1। बेटा अगर आप इस टर्म में रिजल्ट यूज करोगे बेटा अगर आप इस टर्म में रिजल्ट यूज करोगे क्यू npr का फॉर्मूला यूज करोगे बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बेटा आप चेक करोगे अगर आप 16p15 करोगे बेटा न्यूमिनेटर में 16 फैक्टोरियल एंड डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल आ जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल आ जाएगा रिजल्ट के अकॉर्डिंग बेटा। देखो बेटा क्यू एंड आर दोनों 16 या क्यू 16 एंड आर 15 पॉसिबल है। बेटा हमें फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है जिस केस में क्यू प्लस एस, बेटा फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है हमें क्यू प्लस एस सी आर माइनस एस। बेटा एस आप यूज कर पाए हो, एस आपने यूज किया बेटा वन, वैल्यू ऑफ एस आपने वन यूज किया क्योंकि इंटीजर यूज होगा, वन ओनली इंटीजर यूज किया आपने, एस वन बेटा इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। बेटा अगर फर्स्ट पार्ट के लिए आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा बेटा, फर्स्ट पार्ट के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे फर्स्ट पार्ट में बेटा 16 प्लस 1 सी आर वैल्यू भी 16 है, 16 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 17c15 बेटा फर्स्ट आंसर 17c15। बेटा अगर आप 17c15 को सॉल्व करोगे बेटा आपके पास टर्म बच जाएगी बेटा 17 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बेटा न्यूमिनेटर टर्म को अगर आप सॉल्व करोगे दिस नंबर इज इक्वल टू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल इंटू 2, बेटा ये कैंसिल हो जाएगा एंड बेटा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो नंबर बचेगा बेटा दिस टर्म इज इक्वल टू 18 हो जाएगा बेटा 136 बेटा फाइनल आंसर हो जाएगा। बेटा इस केस में आपके पास आंसर 136 है बेटा, वन आंसर पॉसिबल आंसर आपके पास 136 आ जाएगा एंड बेटा सेकेंड आंसर वन आंसर बेटा 136 एंड सेकेंड आंसर बेटा अगर आप ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 16 वैल्यू ऑफ क्यू वन बेटा इस टर्म में सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू ऑफ क्यू वन एस वन सी 15 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 17c14 बेटा ये नंबर बन जाएगा 17 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बेटा मैं एनसीआर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, दिस नंबर इज इक्वल टू 17 16 15 14 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल मींस बेटा 6। बेटा 14 फैक्टोरियल कैंसिल बेटा 2 एंड 5 हो जाएगा बेटा, विद 3 कैंसिल करोगे 8 बेटा 17 इनटू 8 136 136 इनटू 5 बेटा ये आपके पास 680 आ जाएगा, मतलब बेटा आपके पास दो पॉसिबल आंसर्स हैं 136 एंड 680 बेटा आपके पास दो पॉसिबल आंसर्स हैं। थैंक यू।